नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें कई कांग्रेसी नेताओं के परिजनों को भी टिकट मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल बिश्नोई के बेटे चंद्रमोहन को पंचकुला से प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के दामाद सोमवीर सिंह को बड़ाड़ा विधानसभा से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को अम्बाला शहर से उम्मीदवार बनाया गया है। उधर हरियाणा के पूर्व गृहमंत्री और अंबाला छावनी से भाजपा के उम्मीदवार अनिल विज ने बहुत इंतजार के बाद देर रात कांग्रेस की लिस्ट जारी होने पर चुटकी लेते हुए कहा कि दुनिया के सारे काले काम रात को ही होते हैं, इसलिए इनकी कांग्रेस जैसी जो है करतूते हैं, और उसी अनुसार इनकी लिस्ट रात को जारी की गई है। इसके अलावा विज ने कहा कि अब और तब में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए उनके सामने चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए या राहुल गांधी खुद आ जाए। ये कांग्रेस की तो उसको बहुत बर्बाद किया है, और अब जहां जहां इनकी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, सब जगह ये तुष्टिकरण की नीति पर चल रहे हैं, और वो देश के लिए बहुत घातक है। उधर पलवल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी गौरव गौतम ने नामांकन रोड शो निकाला, और ये रोड शो हुड्डा चौक से लघु सचिवालय तक निकाला गया। बता दें कि रोड शो में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्यसभा सांसद अनिल जैन और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रही स्वाति सिंह, जिला अध्यक्ष शरण सिंह तेवतिया और विधायक दीपक मंगला मौजूद रहे। इस दौरान गौरव गौतम ने कहा कि रोड शो में उमड़ी भीड़ से साफ जाहिर है कि बीजेपी इस सीट को भारी मतों से जीतने जा रही है और प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बहुत शानदार उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में था, और एक ऐतिहासिक रोड शो सभी के सहयोग से, माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से हमने आज निकाला है। और ये रोड शो ही नहीं, ये अपने आप में पलवल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित कर रहा है। पलवल एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा, और जो आयाम जिस प्रकार 10 साल में पलवल की कनेक्टिविटी, जेवर एयरपोर्ट हो, केजीपी हो, केएमपी हो, बॉम्बे एक्सप्रेसवे हो, रेल कॉरिडोर हो, मेट्रो आने की व्यवस्था हो, सबके लिए नरेंद्र मोदी सरकार की जरूरत है। उधर आजाद उम्मीदवार अजित गुलिया को बादली हलके के गांव सिलानी में भारी समर्थन मिला है। लोगों ने अपना आशीर्वाद, अब अजित गुलिया चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। अजित गुलिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बादली हलके में नशा और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। मौजूद विधायक भी हलके में काम नहीं करवा पाए, विधायक बनते ही पहले बादली के बस स्टैंड को बनवाया जाएगा। हलके के लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर उनकी सेवाएं की जाएगी। सिलानी गांव में आपने देखा होगा कितनी बड़ी जनसभा थी, चौपाड़ में जगह नहीं रही, फिर हम बाहर आ गए और आपने देखा कितना मान सम्मान, कितना प्यार दिया इस सिलानी गांव का, तो इतना ऋणी हो गया, मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा जीवन में। लोगों ने समस्याएं भी बताई, समस्या होके भी काम को गिनवाया। समस्याओं के लिए तो लोग मेरे को प्यार कर रहे हैं, सारी जरूरतें खत्म कराएंगे समस्या नहीं। पहले क्या सोच के राजनीति में, राजनीति एक सेवा करने के लिए, राजनीति में सेवा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए, और वो राजनीति है, नहीं तो हमें राजनीति से तो कोई, जो और आदमी आते हैं वो सोर्स ऑफ इनकम मानते हैं, और मैं ये कहता हूँ ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं, ये सेवा करने का स्थान है, और इसलिए हम राजनीति में।
उधर जेजेपी ने दो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें शाहबाद से रंजीत सिंह और नारनौल से सुरेश सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो शाहबाद से रंजीत सिंह को बनाया गया है प्रत्याशी, और नालौन की अगर बात की जाए तो वहां से सुरेश सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसकी सूची जो है आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पाए। जननायक जनता पार्टी ने दो उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो जेजेपी और एएसपी की तरफ से नारनौल और शाहबाद से जो है अपने उम्मीदवारों को यहां पर उतारा गया है। अगली खबर का रुख करते हैं महेंद्रगढ़ से। बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह यादव ने नामांकन किया है। उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के पुत्र गौतम शर्मा, विधायक सीताराम यादव, जिला प्रधान दयाराम यादव उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि रामविलास शर्मा हमारे नेता हैं, मैं उनका कार्यकर्ता हूं और उनके आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिला है, किसानों को उनकी फसलों का भाव मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता ने उनको आशीर्वाद दिया तो पहले जो कमियां रहीं उनको दूर करेंगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आदरणीय रामविलास जी के समर्थन में प्यार से सहयोग के कारण एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं पूरी पार्टी का, शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय रामविलास जी शर्मा का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतनी लंबी तपस्या के बाद कार्यकर्ता की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने कार्यकर्ता पर विश्वास किया और ये जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी। देखिए, ये चुनाव ही है और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी, ये पूरे प्रदेश में तय है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के दामाद बाढ़ड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक चौधरी सौमीर सिंह ने गांव गोलागढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की समाधि पर मत्था टेका और इस दौरान वे भावुक हो गए। वहीं बाढ़ड़ा से उन्होंने नॉमिनेशन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने मेरे ऊपर जो आस्था जताई है उसे पर शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने दावा किया कि एक एक कार्यकर्ता के जो है साथ लेकर निश्चित तौर पर बाढ़ड़ा से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे। वहीं चौधरी सौमवीर सिंह लोहारू विधानसभा से दो बार विधायक रह चुके हैं और करीब 72 वर्ष के हैं। बता दें कि गोलागढ़ गांव से बंसीलाल की समाधि स्थल से बाढ़ड़ा तक जो है हजारों की संख्या में बड़े काफिले के साथ पहुंचकर उन्होंने नामांकन किया और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। शक्ति प्रदर्शन में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा दिला के कांग्रेस पार्टी ने मुझे बाढ़ा से नुमाइंदा बनाया। मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग क्योंकि स्थान है, उनको मत्था टेकने के लिए आज हम यहाँ आए। हमारे को यहाँ पर आके ताकत मिलती है। चौधरी सोमवीर सिंह उधर इंद्री विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश कंबोज ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बता दें कि देर रात को ही उनकी टिकट की घोषणा हुई थी, जिसके बाद उन्होंने जनसभा की जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जो विश्वास कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी और प्रदेश के नेताओं ने उनके ऊपर जताया है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और इंद्री से वह जनता के बलबूते पर अच्छी जीत दर्ज कर कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, क्योंकि इंद्री क्षेत्र विकास के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, जहां पर बहुत से काम करने की जरूरत है। उन्हीं को लेकर वे लोगों के बीच जाएंगे और लोगों का विश्वास प्राप्त कर यहां से अच्छी जीत हासिल करेंगे। देर रात टिकट की घोषणा हुई थी, यहां पर
उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं और प्रदेश कमेटी के साथ साथ केंद्र की कमेटी का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस जिम्मेदारी को जो मेरे कंधों पर जो है पार्टी ने दी है उस पर वो जनता के बलबूते के हिसाब से जो है खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। भारी संख्या में कार्यकर्ता है, मैं सबको धन्यवाद करता हूं और जोश देख के ऐसा लग रहा है कि पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में और इंदिरा हल्का से भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की थी मीटिंग में 37 बाजी के लोग आए थे, सबने साथ देने का आश्वासन दिया है। किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच अब चुनाव स्टार्ट होगा, ये भी तो फॉर्म भरा है, मुद्दे भी सारे सामने आ जाएंगे जी। उधर फरीदाबाद बल्लभगढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट की उम्मीद में बैठी पूर्व विधायक और कांग्रेस जीपीएस शारदा राठौर की टिकट कट जाने के बाद कांग्रेस नेत्री काफी आहत हुई हैं। तो वहीं शारदा राठौर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी फैसला बल्लभगढ़ क्षेत्र की जनता लेगी उस पर वे अमल करेंगे। इतना ही नहीं, जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेत्री फुटफुट कर रोती हुई भी नजर आईं। वहीं आपको बता दें कि शारदा राठौर ने अब बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन भर दिया है। इस दौरान मीडिया के कैमरे पर भी शारदा राठौर का दर्द छलका। शारदा राठौर ने कहा कि मेरी क्या गलती थी, क्या कसूर था, मेरी टिकट कट गई। राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारे समर्थक हैं, सबकी उम्मीदें सबकी आशाएं हैं, हमारे काम की कदर होनी चाहिए थी। सारे समर्थकों को उम्मीद थी कि पार्टी टिकट देगी, इसलिए इतने वर्षों से हम घर घर जाके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये पार्टी का जो फैसला सबको बहुत दुख देने वाला रहा। और सर्वे क्यों कराया गया, इतना काम क्यों लिया गया, अगर ऐसे ही बंद कमरों में बैठ के टिकट देनी थी तो हमारी गलती सिर्फ इतनी थी कि हमने क्षेत्र में काम किया, इसके अलावा मेरा कसूर क्या था जो मेरी टिकट काटी गई। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोक दल ने हरियाणा लोकहित पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया है, जिसके तहत इनेलो हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रत्याशी गोपाल कांडा का समर्थन करेगी। चुनाव को लेकर इनेलो ने यह ऐलान किया है, हरियाणा लोकहित पार्टी को अपना समर्थन दिया। क्योंकि आपको बता दें कि हलोपा प्रत्याशी गोपाल कांडा को जो है अपना समर्थन यहां पर इनेलो करते हुए नजर आएगी। उधर रतिया में बस समस्या को लेकर कॉलेज की छात्राओं ने रतिया फतेहाबाद रोड जाम कर दिया, जिसके चलते हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। रतिया से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कॉलेज की छात्राओं ने जाम लगा दिया। उनकी समस्या बस समस्याओं को लेकर थी, जिसको लेकर कॉलेज की छात्राओं ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया और साथ ही साथ प्रदर्शन के चलते जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक लंबा जाम यहां पर लगता हुआ भी नजर आ रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। उधर हरियाणा विधानसभा को लेकर जो है जेजेपी और एएसपी गठबंधन ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। जेजेपी और एएसपी की छठी सूची में 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें जेजेपी के 9 और एएसपी के 4 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं।
उधर अंबाला से निर्मल सिंह को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने पर जश्न मनाया गया। रात को लिस्ट आने के बाद निर्मल सिंह के समर्थकों ने जश्न मनाया, साथ ही जीतेगा भाई जीतेगा के नारे लगाए। निर्मल सिंह को टिकट मिलने के बाद अंबाला में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर हो गई है। सबसे पहले तो हमारी पार्टी के हाईकमान का, सोनिया जी का, राहुल जी का, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, वेणुगोपाल जी का, और उनके साथ ही हमारे प्रदेश के जितने भी हमारे सीनियर लीडरशिप रही है, बाबरिया जी, भूपेंद्र हुडा जी, उदय वाहन जी और दीपेंद्र हुडा जी, हम सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जो विश्वास उन्होंने चौधरी निर्मल सिंह जी पे, टीम पे, इलाके पे जताया है। और आज हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहेंगे कि अंबाला सिटी से एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत कांग्रेस जो है दर्ज करने जा रही है। तो उनका आभार और साथ ही में हमारा एक आश्वासन है सारी अंबाला की जनता को कि अब आपके जो दिन थे भाजपा के जो कालेकाल के वो बीतने वाले हैं और हाथ के साथ हम सब अपने हालात। उधर फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से नेलो पार्टी ने हबीब हमनगर को चुनावी मैदान में उतारा है। इसको लेकर हबीब हमनगर ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस पर वो खरे उतरेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट को INLD की झोली में डालने का काम करेंगे। पिछली सरकारों ने फिरोजपुर झिरका विधानसभा में कोई विकास कार्य जो है नहीं किया है। INLD की सरकार ने आने पर फिरोजपुर झिरका में भरपूर विकास कार्य कराए जाएंगे। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, माननीय अभय सिंह चौटाला जी और हमारे जिलाध्यक्ष आयुष आप जी, सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और हम नाम कल कर रहे हैं नॉमिनेशन, और सुबह 10 बजे सारे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। कोई जनसभा बुलाई गई है नामांकन से पहले, और कौन सा बड़ा नेता है निरंजन लोकदल का आपके नामांकन में शामिल हो सकता है? हम लोगों ने सब 10 बजे का समय दिया है, सब लोग सभी भाइयों से गुजारिश है कि 10 बजे आए। एक कुर्सी और इधर लिया, आंसू कहाँ है लियो। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान रामविलास शर्मा को टिकट दिया गया है। दरअसल रामविलास शर्मा अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। रामविलास शर्मा ने आज अपने समर्थकों के साथ मीटिंग के बाद चुनाव न लड़ने का फैसला किया और कहा कि वह पार्टी के फैसले को सिर झुकाकर कबूल करते हैं। आपके साथ 55 साल का ये संघर्ष है, झंडा नहीं बदला, डंडा नहीं बदला, एजेंडा नहीं बदला। आपके ये आंसू जो है मेरे को आप कमजोर करना चाहते हैं क्या? नहीं जी, मैं 11 दिन के पुलिस रिमांड पर रहा तब महेंद्रगढ़ की माटी को दाग नहीं लगने दिया। मैं बिहार की गया जेल में 5 फीट की कोठड़ी में रहा, महेंद्रगढ़ को बदनाम नहीं किया ना। उधर फरीदाबाद की प्रथला विधानसभा से कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया सेक्टर 12 कार्यालय में ग्रुप जो है गुपचुप तरीके से नामांकन किया है और मीडिया के कैमरों और सवालों से भी बचते नजर आए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी की घोषणा अभी तक प्रथला विधानसभा से नहीं की है। बीते 2 दिन पहले भी पलवल विधानसभा से कांग्रेस नेता करण दलाल ने बिना कांग्रेस की टिकट मिले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में अपना नामांकन जो है दाखिल किया था।
उधर चंडीगढ़ में सेक्टर 10 के मकान नंबर 575 में विस्फोटक सामग्री की सूचना मिली है, जिसकी सूचना मिलने से पुलिस विभाग में भगदड़ मच गई। मौके पर आईजीपी, एससी, एसपी और जो है कई अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। मकान में विस्फोटक मिलने की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस विभाग के कई आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे और सघन जो है जांच करती हुई यहां पर पुलिस विभाग की टीम दिखाई दी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रही है पुलिस को लेकर, और ये जो जैसे ही सूचना उनके पास पहुंची तो पुलिस हरकत में आई और तमाम आला अधिकारियों के साथ में मौके पर पहुंची। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।